Hello everyone, this is Mansi from evcathy.in. Now we are starting with our unit number 12. Literature reader ki unit 12 start kare, which is the 6th poem, means the last poem of this class. So the name of the poem is Snake. A snake kya hota hai, we all know. So it is written by D.H. Lawrence. Okay, so let's quickly get to the summary. पहले छोटा सा description ले लेते हैं कि poem में क्या क्या है and then हम poem को read करेंगे line to line, ताकि जो lines आपको समझ नहीं आ रही, जिन words की meanings आपको समझ नहीं आ रहे, वो हम discuss कर सके. Okay? Now the story begins. The जो poet है यहाँ पे वो अपनी ही एक story narrate कर रहे, मतलब अपना ही एक incidents. वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा सा इंसिडेंस है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके पोयम में इतनी लॉन्ग पोयम बनाई गई है. सो द पोयम स्टार्ट्स, इट्स अ वेरी हॉट डे, और ये जहां की स्टोरी है, जहां की ये पोयम है, दैट इज फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड सिसली. सो ये वहां की बात हो रही है एंड इट वाज अ हॉट डे, बहुत ही गर्मी वाला दिन था. सो जो पोएट है वो अपने हाथ में जग लेके, एक मग को लेके आता है वॉटर थ्रो के पास. वॉटर थ्रो क्या होता है? वॉटर ड्रॉप होता है एक ऐसी जगह जहां पे पानी फिल्ड होता है. अपने वैसे भी नेट पे भी आप सर्च करोगे तो आपको पिक्चर्स देख के समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है. एक वेसल की तरह होता है जिसमें वॉटर को स्टोर करके रखते हैं, राइट? सो वो वहां पे आता है एंड वो नोटिस करता है कि उससे पहले ऑलरेडी कोई वहां पे पानी पीने आया हुआ है, एंड दैट इज द स्नेक. सो वो देखता है, अगर स्नेक वहां पे आया हुआ है तो वो सोचता है कि स्नेक मुझसे पहले पानी पीने आया है, तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले उसको पानी पीने देता हूँ एंड मैं यहाँ पे खड़ा होके वेट करता हूँ. जब स्नेक पानी पी लेगा तो आई गो एंड ड्रिंक. सो अब जितनी देर वो वहां पे खड़ा होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें सोचने लगता है. पहले स्नेक के बारे में बात करता है कि जो स्नेक है उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही लेजी बॉडी को वो अपनी ड्रैग कर रहा है. देन वो इसके बारे में बात करता है कि जो इसकी स्किन है वो कैसी, इसकी बॉडी लूज सी है. ऑल्सो द कलर ऑफ द स्नेक, अब वो जो कलर है उसका, द कलर ऑफ द स्नेक वॉज ब्लैक गोल्डन. सो वो कहते हैं कि ये कलर आया है फ्रॉम द अर्थ. कैसे? अब वो सोचते हैं जहां ये रहते हैं वहां इतनी हीट होगी, बिकॉज ये होल्स के अंदर चले जाते हैं, क्रैक्स के अंदर चले जाते हैं. सो पोएट बिलीव करता है कि जिन क्रैक्स में, जिन होल्स में ये रहते हैं, वहां वो है अर्थ का इंटीरियर पार्ट, और उसमें बहुत ज्यादा हीट है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनो इरप्शंस या जितनी भी चीजें हैं उससे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, और उस हीट की वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन और गोल्डन हो गया है, राइट? देन उसके बाद वो उसकी टंग के बारे में बताते कि वो डबल फोक टंग है. फोक टंग का मतलब क्या होता है? जिस टंग के दो पार्ट जा रहे हो. सो वो ऐसे ये सब चीजें वहां पे खड़ा होके सोचने लगता है, और उसको स्नेक बहुत अच्छा लग रहा होता है. सो देन सडनली उसकी माइंड में एक बात आती है, फ्रॉम हिज ही कॉल्स इट ह्यूमन एडुकेशन, और उसके दिमाग में आता है कि मुझे इस स्नेक को मार देना चाहिए. व्हाई? बिकॉज अभी तक उसने जो सीखा या सुना वो ये था कि सिसली में जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं दे आर वेरी इनोसेंट, वो पॉइजनस नहीं होते, बहुत इनोसेंट स्नेक्स होते हैं. बट जो गोल्डन कलर के स्नेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं. तो वो सोचता है कि अकॉर्डिंग टू माई ह्यूमन एजुकेशन है, जो मैंने अभी तक सीखा है, सो मेरे अंदर से आवाज आती दैट आई शुड किल द स्नेक. बट देन ही अगेन थॉट कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, तो वो अलग अलग चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं कि क्या मैं उसको मारने से डर रहा हूं, या फिर वो एक और जगह बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था बिकॉज स्नेक यहाँ पे आया था. वो ऑनर्ड क्यों फील कर रहा था? वो सोच रहा था कि वो मेरा गेस्ट की तरह है और मेरी हॉस्पिटैलिटी को देखने के लिए वो आया, ही इज लाइक अ गेस्ट, तो मुझे उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए. सो ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, क्या करूं. और उतने में वो देखता है जो स्नेक है वो पानी कैसे पी रहा होता है, एंड जो स्नेक है वो भी बहुत अपना पानी पीता है, इधर उधर देखता है, वो भी नोटिस नहीं करता कि पोएट वहां पे खड़ा हुआ है या कोई मुझे देख रहा है. वो भी बहुत पीसफुली और बहुत कामली अपना पानी ड्रिंक कर रहा होता है. एंड देन जब वो पानी ड्रिंक कर लेता है एंड फाइनली अपने जो घर में, मतलब अपना जो वॉल पे क्रैक था जिसके अंदर से वो आया था, उसके अंदर वापस जा रहा होता है. जब वो बॉडी को अपनी ड्रैग करता है, वो लेके जाता है स्नेक को और उस होल में एंटर कर लेता है.
सो मोस्ट ऑफ द उसके बॉडी का पार्ट आगे जा चुका होता है लेकिन लास्ट में कुछ पार्ट बचा होता है. देन सडनली पोएट को कुछ होता है, वो कुछ सोचता है और आसपास इधर उधर देखता है और एक वुडन लॉग पड़ा होता है. वुडन लॉग होता है बहुत ही हेवी सा लकड़ी का, बोल सकते डंडा टाइप उस तरह का कुछ पड़ा होता है और वो उठा के जोर से फेंक के मारता है इस वाटर ड्रम के पास. एंड लेकिन वो हिट नहीं करता स्नेक को, और स्नेक के जितना पार्ट बचा होता था वो बहुत ही हड़बड़ाहट में उस क्रैक के अंदर चला जाता है. अब जब वो उसके अंदर चला जाता है और इंस्टेंटली जो वो है पोएट है उसको रिग्रेट होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. एंड वो सोचता है कि काश ये स्नेक वापस आ जाए. एंड देन ही थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस बर्ड. कहां से आई एल्बेट्रॉस बर्ड? जो हमने लास्ट पोएम करी थी उसमें जो एल्बेट्रॉस बर्ड थी उसके बारे में सोचता है वो, कि जैसे उसको बेमतलब मार दिया था मैंने भी ऐसी ही कोशिश करी थी. दिस वॉज अ वेरी सेल्फिश एक्ट, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो रिग्रेट करता है. देन वो स्नेक को सोचता है, स्नेक वॉज लाइक अ किंग की तरह था जो अपना नेटिव लैंड मतलब अपना जो उसका होम टाउन जिसे हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं अपनी जो जगह थी उसको छोड़ के वो कहीं और आया था और मुझे उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था. सो ही रिग्रेटेड. एंड ऑल्सो वो सोचता है कि ये जो हमारी थिंकिंग है, ये जो हमारी सोच है, जो उसका ह्यूमन एडुकेशन जिसको वो नाम देता है, जिसने उसको ये करने पे मजबूर किया, सो दैट शुड बी चेंज्ड, राइट? सो दिस इज दी होल स्टोरी, दिस इज दी होल पोएम अबाउट. सो नाउ लेट्स रीड दी पोएम लाइन बाय लाइन. So now we are going to begin with the poem. अब हम line to line poem को read करेंगे. So the poem starts, a snake came to my water trough on a hot hot day and I in pajamas for the heat to drink there. So a snake came to my water trough. Water trough क्या होता है? एक vessel जिसको हम fill करके रखते हैं, इसमें पानी भर के रखते हैं. So that is water trough. On a hot hot day and I in pajamas for the heat. On a hot hot day means it was a very hot day and the narrator jo wahan pe aaya hai, he is in pajamas. Why? Because of the heat. For the heat here means because of the heat, because garmi bahut thi, so he was in his pajamas. To drink there, kyun aaya tha wahan pe? To drink water. In the deep strange scented shade of the great dark carob tree, I came down these steps with my pitcher. So here, in the deep strange scented, scented means fragrance. Strange bola gaya ki fragrance bahut alag si ek fragrance thi. Shade of the great dark carob tree. Carob tree is a type of tree and usko great kyun bola gaya? Because the tree was very huge. So and also it is mentioned shade. अब obviously अगर कोई बहुत बड़ा सा tree है तो उसका जो shade होगा, shade होता है in Hindi you can simply say छाया, जैसे पेड़ के नीचे जो छाया होती है उसको लिखा गया है shade of the great dark carob tree. So उसकी shade में आया है. I came down these steps with my pitcher. Pitcher होता है jug और a mug उस तरह का. So he has came down these steps. Steps है simply we can say stairs को हम बोल सकते हैं. Steps. Okay. So, and must wait, must stand and wait for there. He was before me. और वो आगे क्या सोचता है कि मुझे यहाँ पे wait करना चाहिए. क्यों wait करना चाहिए? Because he was before me. यहाँ पे he कौन है? The snake. Because वो आगे देखते हैं वहाँ पे एक snake होता है. So वो सोचता है कि उस water trough में मेरे से पहले snake आया है तो मुझे वेट करना चाहिए कि पहले वो पानी पी ले एंड देन आई ड्रिंक. सो इस तरह से वो सोचता है. ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम. सो यहाँ पे अगेन स्नेक की बात हो रही है. ही रीच डाउन कैसे आया है? फ्रॉम अ फिशर. फिशर इज अ क्रैक. नाउ वी नो कि जैसे वॉल में या अर्थ में जो क्रैक्स छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर स्नेक चले जाते हैं. So, उस क्रैक में से इन द अर्थ वॉल. इन द अर्थ वॉल मीन्स अर्थ की जो वॉल है. सो सिंपली वो वॉल को अर्थ वॉल बोल रहा है. इन द ग्लूम. ग्लूम मीन्स डार्कनेस. सो फ्रॉम द डार्कनेस. अब ऑफकोर्स अगर नीचे अर्थ में कोई होल है या वॉल पे कोई होल है तो अंदर डार्कनेस ही होगी. सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ही हैज कम फ्रॉम दैट डार्कनेस.
and trailed his yellow-brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough. So, trailed means crawled. Now, we all know the movement of snake. Jo snake hota hai, wo crawl karta hua chalta hai. So, he is saying that he has crawled his yellow-brown slackness. Slackness means slow moving. Ki wo apni us way mein chal raha hai. And yahan pe uska color given hai. Yellow-brown color ka wo snake hai. Soft belly down. Soft belly down means jo snake hai. Uski jo niche ka part hai. Jo earth ki taraf hai. That is very soft belly. Belly no hota hai. Belly hum bolte hai stomach ko. So, ye snake ke soft belly down ko bol raha hai. Over the edge of the stone trough. So, ab wo kahan pahunch chuka hai? जो stone trough है, मतलब जो ये water trough है, it is made of stone, पत्थर का बना हुआ है वो, and वो उसकी edge तक पहुंच चुका है, and rested his throat upon the stone bottom. So अब snake का जो throat है, वो उसने rested here means placed किया हुआ. जैसे if I say I have rested my elbow on the hand, so rested means place करना. So ऐसे ही उसने अपना throat, snake का जो throat है, उसने place किया हुआ है कहाँ पे? Stone bottom, मतलब stone here represents the stone trough. तो उसके bottom पे उसने अपना throat रखा हुआ है. Okay? So, यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब आगे चलते हैं, आगे की lines देखते हैं. So, now moving ahead with the poem. And where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. So here, अब हम एक-एक लाइन देखते हैं. And where the water had dripped, मतलब जहां से पानी drip कर रहा है. Drip करना होता है falling in drops, छोटे-छोटे drops से fall करना. So जहां से water drip कर रहा है, from the tap, in a small clearness. In the small clearness means कि जहां पे पानी साफ-साफ है, वहां से वो sip कर रहा है. जैसे अगर एक मान लो कि कहीं पे एक जगह पे पानी collect हो रहा है, so mostly होते साइड का पानी muddy सा हो जाता है, but बीच में जो collect होता है, that is very clear water. So वो उस clear water में से sip ले रहा है. Sipped means taking a sip. जैसे हम अगर कोई soft drink ले रहे हैं, तो हम एक sip लेते हैं. So that is sipped. With his straight mouth, so he is, अब यहाँ पे straight का कोई sense नहीं है, मतलब वो अपने mouth से direct drink कर रहा है, softly drank through his straight gums into his slack long body. Slack long body means, slack means a loose or a lazy body. Okay, so अब हम सबको पता है snake की बहुत long सी body होती है and it is very loose. Now of course हम में से किसी ने snake को शायद हाथ लगा के नहीं देखा होगा, but it appears to be very loose, right? So, वो सारा पानी ऐसे sip करके drink कर रहा है. Silently. Silently here means चुपचाप. And आप इससे presume कर सकते that he was very peaceful and a harmless creature type था. वो ऐसा बहुत वो चुपचाप ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही harsh appear हो रहा था. He was very, appearing very peaceful to the narrator. Someone was before me at my water trough and I, like a second comer, waiting. He lifted his head from his drinking as cattle do and looked at me regularly as drinking cattle do. So now he's saying, the narrator is saying, someone was before me. Koi mujhse pehle aaya. Here, most of the time, ab dekhoge snake ko personify kiya hua hai. Aise snake ko bol raha hai jaise wo ek human hai. Right? So, someone was before me at my water trough. So, koi mere se pehle wahan pe aaya tha and I, like a second comer. Second comer kya hota hai? Let's suppose aap ek jagah kahin ja rahe ho, practical ke liye ja rahe ho and jo first number pe gaya and baad mein jo ja rahe, that is the second comer. Ki wo kisi ke baad aaya hai. So, that is second comer. Waiting. So, he was waiting like a second comer. Now, of course, agar jaise aap kahin mein bhi, agar queue mein bhi ho, कोई आपसे पहले है, so obviously आप wait करोगे कि उसकी turn हो जाए, then you will go, right? So he was waiting like a second comer. Now he lifted his head from his drinking. And now he is again the snake. जो snake है, जो water drink कर रहा था, he lifted his head. Lifted का मतलब होता है उसने अपना head उठाया, like cattle do. Cattle से वो compare कर रहा है. Cattle क्या होती है?
काऊ का जो छोटा बेबी होता है दैट इज कैटल. सो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि वो स्नेक को कैटल से कंपेयर करे बिकॉज कैटल इज कंसिडर्ड वेरी इनोसेंट. सो दैट इज वाई वो स्नेक को इनोसेंट बोला जाता है कि द स्नेक वॉज वेरी इनोसेंट. सो दैट्स वाई ही वो जैसे कैटल्स पानी पीते हुए कभी मुंह उठा के देखती है इधर उधर, उसी तरह से स्नेक भी पानी पीते हुए इधर उधर देखा उसने. एंड लुक एट मी वेगुली, वेगुली होते केयरलेसली, मतलब ऐसा नहीं है जैसे होता ना हम चीजें देख रहे हो इतना नोटिस नहीं कर रहे ऐसे ऐसे बस मुंह ला लिए देख लिया, बट किसी को इतना केयरफुली नहीं देख रहे कि हाँ यहाँ कोई खड़ा है या वो ऐसा है या वैसा है. सो ही जस्ट लुक एट द केयरफुली, सॉरी केयरलेसली एज ड्रिंकिंग कैटल्स, जैसे कि ड्रिंकिंग कैटल्स करते. सो बेसिकली ही इज कंपेयरिंग द स्नेक विद द कैटल्स. ओके सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पोएम. So now let's continue with the poem. And flickered his two-forked tongue from his lip and mused a moment and stopped and drank a little more, being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. So here ye continuation mein chal raha hai, wahan pe batata hai ki wo pani peete hue upar dekhte hai like a kettle and then flickered. Flickered hota hai मूव करना. सो स्नेक अपनी टंग निकालता है और टंग को बोला है टू फोक. सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर, ये होता है टू फोक. ओके सो टू फोक टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट. म्यूज्ड मींस थिंक अबाउट, सो उसको कुछ सोचती है फॉर अ मोमेंट एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर. उसके बाद रुकती है और फिर से उसने पानी पीने लग जाता है. Being earth brown, earth golden from the burning bubbles of the earth. So, यहाँ पे उसके कलर की बात हो रही है, जो स्नेक का कलर है that is earth brown, earth golden. Now, why it is saying earth brown and earth golden and not only brown and golden? Because वो ऐसे बोलना चाहता है कि स्नेक को जो ये कलर मिला है कैसे मिला है, because वो earth के अंदर रहता है. And यहाँ पे बोला है burning bubbles, bubbles हो गया स्टमक ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोल सकते हैं द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ. तो वो बोल रहे हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी होगी, इतनी ज्यादा हीट होगी. आगे उसने मेंशन भी किया है ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, जुलाई के टाइम में. सिसिलियन मींस इट इज अ प्लेस, प्लेस का नाम है सिसिली. एंड वहां पे जैसे हम बोलते हैं ना दिल्ली की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उसी हिसाब से उसने बोला सिसिलियन जुलाई के, मतलब वहां पे उस टाइम इतनी ज्यादा हीट और गर्मी होती है. With Etna smoking, Etna का मीनिंग होता है माउंट Etna. माउंट Etna के लिए यूज हुआ है ये. स्मोकिंग मीन्स जैसे कुछ जो माउंट होते हैं जिसमें वॉल्केनो इरप्ट होता है, सो उसके लिए उसने वर्ड यूज किया है स्मोकिंग. सो इससे जो हीट को कॉज होती है इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे इतनी ज्यादा हीट होती है कि उस वजह से जो स्नेक का कलर है इट इज अर्थ ब्राउन एंड अर्थ गोल्डन. ओके Moving ahead, the voice of my education said to me, he must be killed, for in Sicily, the black snake are innocent, the gold are venomous. And voices in me said, if you are a man, you would take a stick and break him now and finish him off. So now, the voice of my education said to me, अब वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? Voice of education means जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है या जो हमें सिखाया गया होता है उसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में आया ही मस्ट बी किल्ड, उसको मार देना चाहिए. वाई? बिकॉज इन सिसिली, क्योंकि उसकी एडुकेशन में क्या सिखाया गया कि सिसिली में जो ब्लैक कलर के स्नेक्स होते हैं दे आर इनोसेंट, वो भोले स्नेक्स होते हैं, वो इतने पॉइजनस नहीं होते. बट जो गोल्ड कलर के स्नेक होते हैं दे आर पॉइजनस. एंड सिंस ये वाला स्नेक गोल्ड कलर का था तो उसको लगा ये पॉइजनस है और इसको मार देना चाहिए. एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू आर अ मैन, नाउ हियर इफ यू आर अ मैन का मतलब है इफ यू आर ब्रेव इनफ. सो अगर मेरे अंदर से आवाज आई थी अगर तुम इतनी हिम्मत है इतने ब्रेव हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम अभी एक स्टिक उठाओगे एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ. सो ब्रेक हिम एंड फिनिश हिम मींस टू किल द स्नेक. सो दीज आर द वॉइसेस जो उसके अंदर से आ रही थी. ओके सो लेट्स सी अहेड क्या करता है नरेटर.